हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबू सिलाई सेंटर। इस वीडियो में हम 46 छाती यानी कि 46 बस्ट, जिसे कि 4XL भी कहते हैं, तो उस साइज़ का नाइटी बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। इस नाइटी का पैटर्न बहुत ही आसान है और एक रेडीमेड नाइटी की तरह मैं आपको पैटर्न बताने जा रही हूँ। यकीन मानिए, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस नाइटी को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 मीटर कपड़ा है ये, और इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाने पे इसकी लंबाई 59 इंचेस यानी कि 59 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है, विथ है, ये 42 इंचेस है यानी कि 42 इंच। तो अब देखते हैं कि कपड़े को बिछाना कैसे है। इस तरीके से डबल फोल्ड में मैं इस कपड़े को लूँगी। अभी यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा हम इस तरीके से डबल फोल्ड में ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पूरे कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में किया है, और फिर इन दोनों किनारों को आपस में जोड़ते हुए मिला के इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये कपड़ा हमने बिछा लिया है। 4 लेयर में हमने कपड़ा बिछा लिया है, लेकिन जो ड्राफ्ट बनाएंगे वो किसी रफ पेपर पर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, इस तरीके से हमारा प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैंने ये कैलेंडर का पेज लिया है। आप कुछ भी, कोई चार्ट शीट ले सकते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं। उसे इस तरीके से देखिए, मैंने फ़ोल्ड कर लिया कैलेंडर पेपर को डबल फोल्ड में। ये देखिए, ये क्लोज वाली साइड है और ये देखिए ओपन साइड है, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मैं यहाँ 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि कुछ एक कमेंट आते हैं कि नाइटी जो है वो सीने से खींच रही है, तो वो तीरा कम लेने की वजह से भी होता है। कई लोगों का तीरा होता है, ज़्यादा होता है शोल्डर वाला एरिया, तो वैसे लोगों को सीने के एक्चुअली जो बस्ट होता है हमारा, उसके ऊपर से खिंचाव आ सकता है। तो इसीलिए 8 इंच हम लेंगे, क्योंकि लूज़ भले हो जाए, टाइट नहीं होना चाहिए। वैसे भी नाइटी है तो लूज़ ही सही रहेगा। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो मुड्ढा जितना हमने तीरा लिया 8 इंच, उतना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लूज़ पहनना पसंद करते हैं तो 8.5 इंच पे ये मार्किंग कीजिएगा। अब जितना यहाँ पे मार्क किया उतना ही इस तरफ मार्क करेंगे, और जितना ये हमने लिया उतना ही यहाँ पे लेके इन निशानों को मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब ये वाली जो लाइन है, इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगी, और इस लाइन पे हम बस्ट का यानी कि छाती का मार्किंग करेंगे। तो छाती हमारे पास यहाँ पे है 46 इंच, तो 46 का चौथा हिस्सा हम लेंगे और 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे। लेकिन देखिए, 46 इंच बस्ट का मतलब, 46 इंच छाती का मतलब ये नहीं है कि आपने इंच टेप से खुद को मेज़र किया और 46 इंच आ गया। नहीं, ये सोच के अगर आप ये नाइटी बना रहे हैं तो ये नाइटी आपको टाइट होने वाली है। हाँ, अगर आप कुर्ती वेयर करते हो 44 इंच की, या ब्लाउज़ 43 इंच तक का, क्योंकि ब्लाउज़ तो थोड़ा टाइट ही पहनता है कोई भी, तो 43 इंच का ब्लाउज़ और 44 इंच की कुर्ती अगर वेयर करते हो तो आप ये नाइटी बनाइए, आपके लिए सही रहेगा। अभी के लिए 46 का चौथा हिस्सा 11.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और इसके आगे आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ मुड़े की गुलाई देंगे। तो गुलाई देने के लिए देखिए, ये वाला जो एरिया है इसका माथा करेंगे, और जितना भी आएगा उसे इस कॉर्नर से रख के हम निशान लगाएंगे, और निशान से होते हुए गुलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ गले की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ, 46 बस्ट के हिसाब से 3 इंच ठीक आएगा, लेकिन अगर आप कम पहनना पसंद करते हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं यानी कि 2.5 इंच। और नीचे की तरफ से गले की लंबाई यहाँ मैं 6 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ से भी 6 इंच निशान लगा के इन लाइनों को मिलाएंगे, एक तरह से हम 6x3 का एक बॉक्स बना लेंगे। अब ये बॉक्स बनाने के बाद ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम आगे तक लेके जाएंगे स्ट्रेट, एकदम सीधा इस तरीके से यहाँ तक। जितना ये 6 इंच है उतना ही 6 इंच एक बार यहाँ से नाप लेंगे कि लाइन हमारी सीधी है या नहीं। तो ये देखिए, थोड़ा सा टेढ़ी है लाइन, तो इसे हम एकदम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये नीचे वाली लाइन गलत हो गई है, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये सही है। अब ये वाला जो निशान है ये हमारा स्ट्रेट एकदम सीधा नीचे तक जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले ये वाली जो गुलाई है, इस गुलाई ये इस लाइन तक, तो इस लाइन के नीचे ही मैं इस गुलाई को रख रही हूँ, यहाँ तक इसे स्ट्रेट कर दे रही हूँ, ताकि ये बॉक्स वाला पीस मेरा एकदम ऐसे ही निकल के आ जाए। अगर आप गला बड़ा रखेंगे, जैसे मैंने तो यहाँ पे 6 इंच रखा गला, लेकिन अगर आप बड़ा रखते हैं ये गला, तो ये गुलाई आपकी
ऊपर वाले पीस तक आएगी, जो ये वाला पीस है, इसलिए यहाँ पे हम मुड्डा लिख देते हैं। अभी शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप मुड्डा मुड्डा या आर्म होल, जैसे भी आपको इधर साइन देना है, यहाँ पे निशान लगाना, आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो ये मैंने एम एम लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसी कटिंग कर रहे हैं, देखिए तो ये गला कट जाएगा हमारा ऊपर तक। अब देखिए जो ये वाली लाइन है ना पूरी, इस पे हम कटिंग करेंगे एकदम स्ट्रेट यहाँ तक। इस पीस का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अब ये वाला जो पीस कटेगा इसे हम संभाल के रखेंगे। और ये आगे से हमारी मोटे की गोलाई आ जाएगी, ये इस पीस को हम जरूर संभाल के रखेंगे। अब देखिए ये पीस आया ना इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे आपको निशान लगाना ज़रूरी है कि हाँ ये मुड्डे वाली साइड है, क्योंकि मेरी गोलाई यहाँ नीचे तक मैंने दी है। अगर आप गला बड़ा रखते हैं तो ये गोलाई आपकी इन ऊपर वाले पीसेस तक भी आएगी, इसीलिए ये निशान ज़रूर लगाएं। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये पीस खोलने पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये जो पीसेज है यहाँ पर अटैच होंगे, हम इसे सिलेंगे। तो अब इसे हम कपड़े बिछा के कटिंग करते हैं। पहले इन पीसेस को हमें संभाल के रखना है, पहले हम इस पीस को कपड़े पर बिछा के कटिंग करेंगे। तो ये जैसे हमने सेट करके रखा था उसी तरीके से हल्के से खोल के हम इसे बिछा लेंगे फिर से। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये चार लेयर में हमने कपड़ा बिछाया था, ये ओपन साइड है, और इस तरफ ये इस तरीके से देखिए दो लेयर दिखेंगी क्लोज साइड की। अब यहाँ पे हम पैटर्न बिछाएंगे अपना। तो देखिए ये पैटर्न की जो गोलाई आई है मोटे वाली आर्म होल वाली, इसको हम ओपन वाली साइड रखेंगे, जो कपड़े की ओपन साइड है ना उस तरफ, और बाकी का कपड़ा ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ ऊपर कपड़ा बराबर नहीं है तो वो ध्यान रखेंगे कि चारों लेयर कहाँ तक आ रही है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे पैटर्न को। देखिए कुछ इस तरीके से बिछा लेंगे अपने पैटर्न को, और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, चाहे तो डायरेक्ट आप कटिंग भी कर सकते हैं। ये लाइन सीधी आगे तक चली जाएगी, ये देखिए इस तरीके से ये निशान आगे तक चला जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये कपड़ा बराबर नहीं है तो ध्यान रखेंगे कि हम जहाँ कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे चारों लेयर हो, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम अपनी लंबाई लेंगे 90 की लंबाई जितनी भी होगी, लेकिन देखिए यहाँ से नहीं लेना इस तरीके से, यहाँ पे हम उन पीसेस को यूज़ करेंगे जो हमने काट के रखे थे, ये वाले पीसेस। देखिए ये जो दो पीस हमने कट किए थे इनमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे और इस तरीके से चढ़ा के रखेंगे आधा इंच एक दूसरे पर, क्योंकि सिलने में जाएगा इतना। तो इस तरीके से अब अपनी नाइटी की लंबाई नापेंगे हम यहाँ से, लेकिन यहाँ देखिए इस तरीके से रखने पे मेरे गले की लंबाई कम हो रही है, क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी सिलने में जाएगा और आधा इंच नीचे चला जाएगा सिलने में, तो गला कितना बचेगा मेरे पास 5 इंच। तो इसीलिए जब इस पैटर्न को हम कपड़े पर रख के काटेंगे ना, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आधा आधा इंच बढ़ा लेंगे, तो वो तो बात की बात हुई। अभी के लिए हम यहाँ से अपनी नाइटी की लंबाई नाप लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम पैटर्न हटा सकते हैं, और इस तरीके से देखिए नाइटी की लंबाई नीचे तक जाएगी। तो जितनी भी आपकी नाइटी की लंबाई है उसमें आप 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेंगे। मेरी नाइटी की लंबाई यहाँ पे 51 इंच है, यानी कि 51 इंच, तो उसमें मैं 2 इंच ऐड करके यानी कि 53 इंच, मीन 53 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान से होते हुए हम एकदम सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा बढ़ाते हुए ही लिया है, क्योंकि प्योर कॉटन का फैब्रिक है ये, तो कॉटन थोड़ा बहुत श्रिंक होता ही है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के ही मैंने लिया है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं, और ये बचे हुआ जो कपड़ा है इसको ऐसे ही बिछा रहने देंगे, और यहाँ पे अपनी बाजू का ड्राफ्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे ऐसे ही बिछे रहने दिया है, चार लेयर में है ये कपड़ा, ये ओपन साइड है और ये फुल्ली क्लोज साइड है। अब सबसे पहले हम बाजू की लंबाई लेंगे, तो ये जितना भी आ रहा है 10 इंच मैं पूरा का पूरा अपनी बाजू रख लूँगी। अब हम बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे, यानी कि जो बाजू का राउंड होता है वो, तो वो यहाँ पे लगाएंगे और इस तरफ बाजू के मुड्डे का निशान लगाएंगे। तो मोरी मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ, और आगे 1.5 या 2 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ मुड्डे का निशान लगाएंगे। तो देखिए मुड्डा मैंने 90 पे कटिंग किया 8.5 इंच, तो उसमें 2 इंच बढ़ा के लूँगी, जिससे कि 10.5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। लेकिन देखिए 10.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नाइटी को फिटिंग दूंगी और फिर बाजू जोड़ूंगी, यानी कि मैं अपनी बाजू को सर्कल में जोड़ूंगी। और अगर आप पहले बाजू जोड़ना चाहते हैं फिर फिटिंग देना चाहते हैं, तो उस केस में जैसे नाइटी में हमने मुड्डा 8.5 इंच लिया है,
तो यहाँ पे आप 3.5 इंच ऐड करके लेंगे, जिससे कि करीब 12 इंच पे यहाँ मुंडे का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे, ये कटिंग वाले निशान के साथ मैं मिला रही हूँ। अब यहाँ से अंदर की तरफ 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे। अब इन निशानों को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे और ये जो तिरछी लाइन जितनी भी आई इसका इस तरीके से आधा करेंगे और एक निशान लगा लेंगे। और फिर इस निशान से बाहर की तरफ 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से होते हुए गुलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो में कुछ भी ऐसा जो मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी हो सके तो कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये 2 बाजू हैं हमारी कट चुकी हैं। इस पर हम आगे की छांट जो देते हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि 90 पे भी हमने नहीं दी ऐसी कोई छांट। और दूसरा कि मैं चाहती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो ये 90 बनाने में, तो आगे की छांट हम दे ही नहीं रहे, वैसे भी चल जाता है 90 में इतना। तो अब बचे हुए कपड़े से हम ये पीसेज निकालेंगे। तो कैलेंडर पर तो हमने ये 2 पीस काटे, लेकिन कपड़े पर हमें 4 लेयर में ये पीस काटने हैं। तो ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में ही बिछा था, तो इस पैटर्न को हम यहाँ बिछाएंगे। और यहाँ इस तरीके से बिछाएंगे कि मुड्डे की तरफ से तो क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना नहीं है, लेकिन ये जो गले वाली साइड है, अब इस तरफ मोटा था तो उस तरफ हमारा नेक ही होगा ना, तो वो नेक वाली साइड हम 1 या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरफ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पैटर्न को रखा है और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ से हमने कपड़ा नहीं छोड़ा एक्स्ट्रा, ये मुड्डे वाली साइड से। यहाँ नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि गला मेरा छोटा हो रहा है देखिए, तो इस पैटर्न में बढ़ाएंगे। तो वही मुड्डे की तरफ तो नहीं छोड़ा, लेकिन इस तरफ हमने कपड़ा छोड़ा 1/2 इंच और इस तरफ भी 1/2 इंच छोड़ा है, और इस तरफ हम 1.5 से 2 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। कम से कम 1 इंच तो आप छोड़िए, क्योंकि गले में हम चाहेंगे कि फिनिशिंग आए, वहाँ पर थोड़ा मोटा कपड़ा फोल्ड करेंगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा इसलिए। अब देखिए ये पीस जो है ना एकदम चौकोर बन के आ गया है, 7 बाय 7.5 इंच का। तो इसमें लग रहा है ना कि अगर पीस कट जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ मुड्डा और किस तरफ नेक, तो इसीलिए मुड्डे वाली तरफ हम M लिख ले रहे हैं और गले वाली साइड N, नेक वाली साइड N। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी चारों लेयर पे हम नेक वाली साइड N और आर्म होल वाली साइड आप A या फिर मुंडा अगर कहते हैं तो M, जैसा आपको लगे, बस एक निशान हमें लगा लेना है। तो ये हो गया। ये देखिए यहाँ से ये क्लोज साइड है, बंद है, तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पीस इस तरीके से आया। आप चाहे तो बीच में से कट कर लें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या फिर देखिए ये जो हमारा पीस था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस पीस को रख के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा नेक हमें कितना बड़ा चाहिए। इस तरीके से 1/2 इंच जब हम इस पे चढ़ा के रखेंगे तो हमें हमारे पास हमारा फाइनल नेक का लंबाई मिल जाएगा। तो ये देखिए जैसे अभी 6.5 इंच आ रहा है, तो अगर आप 6.5 इंच करना चाहते हैं तो ऊपर से सिलाई मत कीजिए, और कम करना चाहते हैं तो ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अभी के लिए हम इसको साइड में रखते हैं। और देखिए इस वाले पीस में से एक पीस हम हटा देते हैं और एक पीस को पकड़ लेते हैं, इसे हम पूरी तरह खोल के लेंगे। ये देखिए इस तरीके से खोलने के बाद यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच छोड़ के चुनटे देना शुरू करेंगे, प्लीट्स देंगे। इन प्लीट्स का रुख आप किसी भी तरफ रख सकते हैं, और चुनटे चाहे तो आप बारीक दीजिए चाहे बड़ी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ये देखिए 2.5 या 3 इंच के करीब आप छोड़ के अपनी प्लीट्स देना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से सारी प्लीट सेट करने के बाद एक बार हम नाप के देखेंगे किससे, इस कैलेंडर वाले पेज से। ये देखिए इस कैलेंडर वाले पेज से ये जो हमने कटिंग किया था इससे हम ये वाला एरिया, एक मिनट, ये देखिए ये वाला एरिया नाप के देखेंगे कि क्या इसके एकदम बराबर आया। तो देखिए नहीं, ये छोटा हो गया ना, तो अब अपनी प्लीट्स को हम और या तो साइड साइड से एक एक प्लीट खोल लेंगे, या फिर अपनी प्लीट्स को आप थोड़ा दूर दूर दे सकते हैं। अब देखिए अब मैंने अपनी प्लीट्स को थोड़ा दूर दूर सेट कर दिया है, प्लीट्स को थोड़ा छोटा कर दिया है। तो अब देखिए इसके बराबर आ गया ना ये एकदम, तो हमें इतना ही चाहिए। अगर आप इस कैलेंडर से छोटा रखते हैं
तो आपको नाइटी सीने से टाइट आएगी। आपको जितने साइज़ का आपने कैलेंडर काटा, क्योंकि कैलेंडर तो हमने एकदम बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लिया ना, तो इसी के बराबर हमें ये पीस रखना है। एक बार ये प्लीट सेट हो जाने के बाद आप चाहे तो इसे सुई से कच्चा कर लें, या फिर डायरेक्ट मशीन से चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। एक बार इस पीस से हम दोबारा इस कैलेंडर से नाप के चेक कर लेंगे कि ये बराबर है ना, तो हाँ है। अब इसी तरीके से ये दूसरा पीस भी हमने रेडी कर लिया है, ये देखिए एकदम बराबर। अब यहाँ पे इन पीसेस को हम अटैच करेंगे। उससे पहले ये देखिए, ये M जहाँ पे हमने लिखा था ये मोटे वाली साइड है ना, और ये N N फॉर नेक, नेक वाली साइड। तो नेक वाली साइड से हम पहले कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस पीस को M वाली साइड से हम इस तरीके से बराबर करके रखेंगे पूरा बिछा के, और ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे एक छोटा सा कट दे देंगे ताकि चारों लेयर पे थोड़ा थोड़ा निशान आ जाए। अब इतना इतना कपड़ा हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से खोल के ये जो कट का निशान आया, इतना इतना कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और ये दूसरा पीस भी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों पीसेस पे। अब इसे हम जोड़ेंगे इसके साथ। एक पीस हम ले लेते हैं, और ये देखिए ये जिस साइड हमने सिलाई लगाई ना, ये वाली साइड ये अंदर की तरफ रहेगी इस तरफ, और इस तरीके से देखिए हम रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, और दूसरी तरफ भी देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे अंदर की तरफ रखेंगे इस तरफ, और इस तरीके से रखेंगे, और ये मोटा बाहर की तरफ रहेगा, और इस तरीके से रखते हुए फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे यहाँ इस पीस के साथ हम जोड़ेंगे। कपड़े की जो सीधी साइड है वो ये देखिए अंदर की तरफ आमने सामने रहेगी, और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ लिया है इसे। अब यहाँ गले पे हम फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए देखिए ये जितना भी बचा है ना, जैसे मेरा 6 इंच बचा है, तो 6 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, जिससे कि 8 इंच की पट्टी हम काटेंगे। अपने बचे हुए कपड़े से ये देखिए मैंने पट्टी निकाली है 8 बाय 3 इंच की। तो 8 बाय 3 इंच की पट्टी आप निकाल सकते हैं। ये दो पीसेज हमारे निकाले हैं पट्टियों के, तो इसे हम यहाँ पे सिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने गले को रखा किसी भी एक साइड को, और ये देखिए सीधी साइड ऊपर की तरफ, और फिर इस तरीके से पलटते हुए हम रख लेंगे पट्टी को, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें करना है। ये इस तरीके से आ जाएगा ये सीधी साइड, और इस तरीके से पलटते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई मशीन पे एक तरफ मैंने ये पट्टी देखी इस तरीके से लगा ली है। अब दूसरी तरफ देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने अपने गले को रखा, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम रख के सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से आया। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए, और फिर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया। अब देखिए ये हमारा गला इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरीके से आया। तो अब हम इसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे, और यहाँ दूसरी तरफ से भी एकदम सीधा। ये देखिए एक तरफ से इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया, और दूसरी तरफ भी इस तरीके से, ये देखिए। तो दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये हमारा गला इस तरीके से आ गया, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम फिनिशिंग दे देंगे।
इस तरीके से फिनिशिंग देने के बाद अब आप चाहें तो पहले बाजू जोड़िए और फिर फिटिंग दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले बाजू जोड़ने के लिए जब बाजू की कटिंग आपने की तो मुड़ा आपको ज़्यादा रखना है। मैं इस तरीके से करने के बाद ये देखिए पहले नाइटी पे दोनों तरफ से फिटिंग दूंगी, फिर बाजुओं को अपनी फिटिंग देंगे और उसके बाद अपने बाजुओं को दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। और इस तरीके से ये नाइटी हमारी बन के रेडी है। ये नाइटी ना ही तो आपको सीने से खींचेगी ना आपको मोड़े से खींचेगी, एकदम परफेक्ट नाइटी बन के रेडी होगी। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, साथ में एक घंटी होगी उसे भी दबा लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक यू एंड बाय बाय।